नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वसी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, एमएसपी पर धान खरीद में लापरवाही पर एक्शन हुआ है और धान खरीद में लापरवाही पर 8 लोग बर्खास्त किए गए हैं, 3 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। खरीद में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई हुई है। खाद्य आवश्यक वस्तु निगम के कर्मियों पर एक्शन हुआ है। बदायूं के सेल्समैन सर्वेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्नाव के राम कुमार पर केस दर्ज किया गया है। तो एमएसपी को लेकर पहला बड़ा एक्शन हुआ है। धान खरीद में लापरवाही चल रही थी और उस लापरवाही में 8 लोगों को बर्खास्त किया गया है, 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। खरीद में अनियमितता करने वालों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। उमेश, एमएसपी को लेकर सबसे पहले बड़ी कार्रवाई हुई है, एमएसपी धान खरीद में लापरवाही चल रही थी और उस धान खरीद में लापरवाही में 8 लोगों को बर्खास्त किया गया है, 3 लोगों को निलंबित किया गया है। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल धान खरीद कार्य में जो लापरवाही अनियमितता उजागर हुई है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है। 8 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है बस निगम लिमिटेड के, और साथ ही 2 जिला प्रभारियों और पत्रवाहक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 3 सेल्समैन जो थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी जब उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धान खरीद और तमाम तय केंद्रों के बारे में लगातार अधिकारियों को नोडल अफसर बनाकर उनको भेजा गया था। तमाम आईएसओ को अलग अलग जनपदों में नोडल अफसर के तैनाती के दौरान इस बात का ध्यान देने के निर्देश दिए गए थे कि जो भी अनियमितता कहीं पे धान खरीद में या इस तरह की चीजें हो रही हैं जहां पे लापरवाही बरती जा रही है और जो सरकार द्वारा जो भी कुछ कार्य योजना चलाई जा रही है किसानों के हित में, क्या वाकई वो अमलीजामा पहनाया जा रहा है, क्या वाकई किसानों को लाभ मिल रहा है, इस तरह की चीजें निकल कर आई है जिसमें अब ये योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है जिसमें जो ये राज्य खाद्य वस्तु निगम लिमिटेड के 8 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी जब इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है धान खरीद में। लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार तमाम धान के केंद्रों को उन्होंने निरीक्षण अधिकारियों से खुद कराया। लगातार वो तमाम ऐसे लोग हैं, किसान हैं जो उनके संपर्क में है, उनसे भी उन्होंने फीडबैक दिया। सूत्र बताते हैं लगातार तमाम किसानों से खुद वार्ता किए हैं और जहाँ जहाँ पे ज्यादा अनियमितता देखी गई वहीं वहीं पे ये कार्रवाई की गई है। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।